अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब एकदम ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, बच्चे जा रहे हैं स्कूल और आज है फ्राइडे, तो इन लोगों का जो है ये पीटी ड्रेस लगता है। बच्चे जा चुके हैं स्कूल। यहाँ पे ये देखिए, मूंग के दाल के मंगोड़े बन रहे हैं। ये देखिए बैटर हमारा, मूंग के दाल के मंगोड़े के। तो चलिए, इसको मैंने डाल दिया है, तब तक फ्रिज में जो है बॉटल लगा देते हैं। भरी रखी हुई थी तो बॉटल पहले लगा देते हैं ताकि पानी जो है ठंडा हो जाए। सो यहाँ पे ये देखिए, हमारे मूंग के दाल के मंगोड़े जो हैं रेडी हो गए हैं। इसके बाद ये देखिए, अभी दोपहर का टाइम हो गया है, नहा के फ्रेश होके मैं रेडी हो गई हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। और यहाँ पे ये देखिए, मैंने ये वाला सूट आज पहना है और मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पर कुरान पाक की जो है तिलावत कर रही हूँ। और सबसे बेस्ट बात ये है कि सबसे ज़्यादा और लाइफ का सबसे खूबसूरत तोहफा मुझे जो है ये कुरान पाक गिफ्ट में मिली है। किसी सिस्टर ने जो है उम्रा करने गई थी, तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया था, तो मैं उनको दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। अगर वो मेरी वीडियो देख रही हैं तो दिल से थैंक यू उनके लिए। इसके बाद ये देखिए, यहाँ पे अभी नमाज़ पढ़ने के बाद मैं जो है आप लोगों के लिए एक रेमेडी लेकर आई हूँ, फेस मास्क की रेमेडी। बहुत ही अमेजिंग रेमेडी है। यहाँ पे मैंने ले लिया है रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध, और इसमें हम 2 चम्मच डाल देंगे जौ का आटा। जौ का आटा हमारे फेस के लिए बहुत ही अमेजिंग है वाइटनिंग के लिए। तो यहाँ पे 1/2 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाल दी। हल्दी पाउडर हमने किचन का नहीं यूज़ करना है, इसके लिए एक कस्तूरी हल्दी करके आती है, या तो उसे यूज़ कर लें या फिर खड़ी हल्दी लेकर उसे पीस लें। इसके बाद 1 चम्मच के करीब मैंने एलोवेरा पल्प डाल दिया है। मार्केट वाला जो है ख़त्म हो गया था, तो मैंने प्लांट से निकाल लिया है। इसके बाद हम इसमें जो है गुलाब जल ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से हम खूब मिक्स कर लेंगे। इसकी मिक्सिंग जो है बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था, तो मैंने इसमें फिर से गुलाब जल ऐड करके और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे हमें जो है चेहरे पर 15 से 20 मिनट के लिए अप्लाई करना है। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच के करीब कोकोनट ऑयल, क्योंकि जौ का आटा जो है थोड़ा स्टिकी टाइप का होता है, इसीलिए जो है निकलने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। इसीलिए यहाँ पे मैंने ऑयल का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, या इसकी जगह आप कोई और ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आमंड ऑयल या ऑलिव ऑयल। तो यहाँ पे ये देखिए, फिर से मैंने रॉ मिल्क ले लिया है और फेस की क्लीनिंग कर ली अच्छे से। और डस्टिंग देखिए, कितना भी हम फेस वॉश कर लें, फेस पे हमारे डस्ट ज़रूर रहती है। तो यहाँ पे ये देखिए कितना गंदगी निकली है, तो इसको जो है चलिए हम अप्लाई कर लेते हैं। इसे हम 15 से 20 मिनट जो है चेहरे पे अपने रखेंगे और इसे बहुत ही जेंटली हाथों से इसे हम रब करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए बच गया था, तो मैंने फेस पे लगाने के बाद जो थोड़ा सा बचा था, थोड़ा सा क्या मतलब ज़्यादा ही बच गया है, तो यहाँ पे मैंने हाथ पे भी लगा लिया है और इस तरह हल्का हल्का हम रब करेंगे। तो ये देखिए कितनी इजीली निकल जाता है, ये देखिए इस तरीके से, बहुत ही इजी। इसीलिए हमने इसमें ऑयल का यूज़ किया है। ये देखिए कितना सॉफ्ट हैंड हो गया है हमारा। यहाँ पे ये देखिए जो बचा हुआ था हसन जो है इसको अप्लाई कर लिए अपने हाथ पे, और ये देखिए फेस पे भी अप्लाई किए हुए हैं। ये देखिए इनका फेस, देखिए ये फेस मास्क जो है वाइटनिंग, टाइटनिंग, ब्राइटनिंग के लिए और फाइन लाइन, रिंकल्स, इन सब के लिए बहुत ही अमेजिंग है। डार्क स्पॉट हो उनके लिए बहुत ही अमेजिंग फेस मास्क है। सो इसके बाद ये देखिए, यहाँ पे मैं जो है रेडी हो गई हूँ, बाहर जाना है, ग्रॉसरी लेना है, ग्रॉसरी का सामान। तो चलिए चलते हैं अभी ग्रॉसरी का सामान लेने। फेस वॉश मैंने कर लिया है, तो चलिए अभी चलते हैं। और साथ में कौन जा रहा है, ये देखिए अली, अली मेरे साथ में जा रहे हैं। अली को जब कहीं जाना होता है तो मतलब बहुत ही आराम से, बहुत ही धीरे से कहते हैं मम्मा मुझे भी चलना है। मतलब कोई शोर शराबा नहीं कि हाँ हम भी चलेंगे या रोएं, कुछ नहीं, बस आराम से तैयार हो जाते हैं। तैयार होके बस मम्मा हम भी चलेंगे। तो यहाँ पे अली और हम जा रहे हैं ग्रॉसरी का सामान लेने, तो चलिए आप भी चलिए हम लोगों के साथ में। सो इसी के साथ साथ मैं आप लोगों से ये बातें करूँगी, क्योंकि कुछ लोग मुझे बहुत जज कर रहे हैं, जजमेंट अपना दे रहे हैं कि मैं जो है बहुत बुरा बोलती हूँ, बहुत बुरा कहती हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आपको आता है तो आप अपने पास रखिए, ज़रूरत नहीं है मुझे आपके, आपकी बातों की, आपके वर्ड्स की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे भी बोलती हूँ, अच्छा बोलूँ, ख़राब बोलूँ,
मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं ये वीडियो बनाती हूँ, मैं बात करती हूँ, या मुझे जैसे आता है मैं वैसे करती हूँ। किसी से दिखावापन वाला काम नहीं करती हूँ कि मैं दिखावापन वाला काम करूँ कि हाँ ऐसे वैसे, इस तरह नहीं है। जो ओरिजिनल है सो ओरिजिनल है मेरे पास। और इसी के साथ मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर किसी को कहना है, किसी से वो करना है, तो सामने से आके कहे, किसी के पेट पीछे ना कहे कि हाँ बुराई करे। अगर किसी को ख़राब लगता है तो वो मेरी वीडियो बिल्कुल ना देखे, मैं नहीं चाहती हूँ। मैं किसी के मामले में जब नहीं बोल रही हूँ तो कोई प्लीज़ मेरे मामले में या मेरे वीडियो के बारे में या मेरे बात के बारे में या मेरे वर्ड्स के बारे में कोई नहीं बोल सकता है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। और जिन्होंने कहा है या जो कह रहे हैं वो आइंदा से ख्याल रखें, और वो समझ गए होंगे कि मैंने किसको कहा है। जब मुझे किसी से मतलब नहीं है तो प्लीज़ उन लोगों को भी मुझसे मतलब नहीं रखना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ लोगों की आदत होती है ना दूसरों के बीच में टांग अड़ाने की, तो वही मेरे साथ हो रहा है कि कुछ भी करो तुम ख़राब हो तो हो, तो सही मैं ख़राब हूँ, मैं अच्छी बनने की कोशिश भी नहीं करूँगी और नहीं करती हूँ और नहीं मुझे ज़रूरत है। तो खैर मैंने उन्हीं को ये जवाब दिया है जिन्होंने मुझे जज किया है, और वो मेरे जज करने लायक नहीं हैं। पहले अपने आप को देख लें उसके बाद दूसरों को जज किया करें। बस मुझे यही कहना था। तो यहाँ पे अभी हो गया है शाम का टाइम और बन रहा है खाना। खाने में बन रहा है चिकन। तो यहाँ पे प्याज मैं फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद जो है, वैसे आज मैं जो है खड़े मसाले वाला चिकन बनाने वाली थी लेकिन बच्चों की फरमाइश पे जो है ग्रेवी वाला बनाना पड़ा। तो यहाँ पे जो है मैं बना रही हूँ चिकन का सालन। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो है मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।